हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम देख रहा है बच्चा क्लास। बेटे, चैप्टर अपना चल रहा है कौन सा? इशू फॉर फीचर एंड रीइशू, है ना। वैसे तो हमारे स्टडी मॉड्यूल में ये चैप्टर किस नाम से दे रखा है? इशू ऑफ शेयर्स के नाम से। लेकिन उसमें बहुत सारे कंटेंट शामिल है, जैसे मैंने आपको बताया था। बेटे, हमारे स्टडी मैट के सिलेबस के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, और हमने अभी तक जो बातें की उसमें तीन टॉपिक हमने कवर किए। बताओ कौन कौन से? स्टार्टिंग वाली कंपनी की थ्योरी, फिर कंपनी का इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी का फॉर फ्यूचर, और फिर री इश्यू। ठीक है, और जिनके बारे में हमने लगभग 23 के आसपास हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, 23 या 24, जिसके आगे मैंने आपको दे रखे हैं बेटे, उनके सोल्यूशन भी दे रखे हैं। अब हमारी जो आज की जो क्लास है, वो हमारी जो स्पेशल क्लास है, वो है बेटे स्कैनर की क्लास। स्कैनर मतलब जो पास ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं। क्या कहा मैंने? जो पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। आज से हमारी इस क्लास से जो प्रैक्टिस शुरू हो रही है बेटे, वो किसकी चीज की शुरू हो रही है? पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस के। किस तरह के क्वेश्चन पिछले 8-10 अटेम्प्ट में आए हैं, मैं आपको सारे ही क्वेश्चन क्लास में कराने वाला हूँ। मतलब ये वाली क्लास, इससे अगली एक दो क्लास जो है वो हमारी इसी बात की प्रैक्टिस की है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है भाई, हमारे एग्जाम में जैसे आएंगे वैसे भी तो हमें प्रैक्टिस करनी है। अभी तक हमने जो प्रैक्टिस की वो भी एग्जाम के ओरिएंटेड ही है, लेकिन उसमें दोनों तरह की मिक्स प्रैक्टिस थी। छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे हमने क्वेश्चंस किए, है ना। फिर एक बार एक क्वेश्चन पे कई सारे क्वेश्चन डिपेंड थे। कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में? अच्छा, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो ये अभी जो सेशन है, इसमें हम लोग अपनी बुक में जो मैंने दे रखे हैं चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के एंड में पास ईयर के जो क्वेश्चन है ना, वहां से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो आप देखो, हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से करेंगे बेटे? जो बुक में, मेरे वाले जो बुक जो आपके पास पहुंच गई है, ठीक है ना, जहां से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुक का के सबसे लास्ट में दे रखा है। लास्ट में दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो बेटे? पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वहां से हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जी। ठीक है जी, तो चलिए जी शुरू हो जाते हैं, और मैं सारे ही क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा आपको। लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो ये 200 क्वेश्चंस के आसपास हैं, 201 क्वेश्चन है, इनके अलावा भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना, वो आप सेल्फ करेंगे, है ना। और ये जो 201 क्वेश्चन के लगभग है, इसमें बेटे तीनों चारों चीजें शामिल है। इसमें आपका इशू है, इशू ऑफ शेयर्स है, आपका कंपनी से रिलेटेड थोड़ी सी इसमें थ्योरी भी शामिल है ना, और इसमें आपका फोर फीचर भी है, इसमें आपका बेटे री इशू भी है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर क्या है, मैं आपको पहले ना फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ। लेकिन बेटे साथ साथ में यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे एक चीज और भी है। क्या है सर? यहाँ पे बेटे बाकी के जो चैप्टर्स हैं, अदर चैप्टर्स जो इस चैप्टर के अंदर इंस्टीट्यूट ने, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर मिक्स कर रखे हैं, ठीक है ना। इश्यू ऑफ शेयर तो सिर्फ बाहर से नाम दे रखा है, मैंने आपको कई बार बताया भी है ताकि आपको पूरी क्लियरिटी रहे, लेकिन उसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं, जैसे आपका अंडर राइटिंग, जैसे आपका इश्यू ऑफ बोनस शेयर, जैसे आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर है, मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर तो खैर अलग, जैसे आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो कुछ बाई बैक है ना, तो ये बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर मिक्स कर रखे हैं। तो अभी जो 201 क्वेश्चन जो पिछले पास के 8-10 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं क्लास में ही कराऊंगा, उनको भी मैं टुकड़ों टुकड़ों में कराऊंगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चंस वो वाले उठाऊंगा, इशू फॉर फ्यूचर, री इशू और थ्योरी वाले, जहां तक हमने अभी तक कवरेज कर लिया, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। ठीक है, हाँ, जो बाकी के जो क्वेश्चन है ये वाले, क्योंकि बेटे मेजर टाइम हमारा इन तीनों पे लगना था, इन तीनों चारों पे मेजर, मतलब समझ लो इस चैप्टर के अंदर 30% टाइम तो हमारा यहीं पे था, बाकी का 70% टाइप है जो हमारा जो टाइम है, 70% टाइम बाकी के सारे चैप्टर्स पे लगना है। ठीक है, तो चलिए ये आइए बेटे शुरू करते हैं, शुरू करते हैं बेटे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जी, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन शुरू हो गए जी। तरीका वही रखना जैसे मैंने आपके एग्जाम में बताया था, क्या एग्जाम के हिसाब से, कि बेटे क्वेश्चन को पढ़ना फटाफट से, क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है,
लो जी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा एक छोटी सी चीज और खोल लेता हूँ ताकि मैं आपके सामने क्वेश्चन को अंडरलाइन भी कर सकूँ। पढ़ो बेटे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से पढ़ेंगे सारे बच्चे, और बहुत तेजी से करना है जी, एग्जाम में बैठे हो तो हमें बहुत कम टाइम में करना है। सी लिमिटेड ने इन्वाइट की एप्लीकेशन कितने के लिए? फॉर इश्यू ऑफ 20 लाख शेयर्स। बेटे 20 लाख शेयर्स के लिए 10-10 रुपए वाले जो हैं उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट की, ठीक है जी। अच्छा जी, और फिर देखो बेटे क्या कहता है। अच्छा सर क्या कहता है सर, फिर ये क्या कह रहा है बेटे यहाँ पर क्वेश्चन कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स तो ठीक है 20 लाख हैं, 10-10 वाले हैं, इसमें कैसे कैसे पेबल है बेटे? एप्लीकेशन पर 3 रुपए है ना, ये है ना, देखो 3 रुपए पेबल कब है बेटे? एप्लीकेशन पर। फिर बेटे 7 रुपए कब है बेटे? अलॉटमेंट पर, मतलब बेटे अलॉटमेंट पे कितने हैं? 7 रुपए। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, एप्लीकेशन आई कितनी? ठीक है, नंबर ऑफ शेयर जो इशूड हैं बेटे, इशूड क्या? इशूड हैं 20 लाख, लेकिन बेटे अप्लाइड कितने हैं? एप्लीकेशन रिसीव हुई 35 लाख की, और अप्लाइड कितने हैं बेटे? अप्लाइड एप्लीकेशन जो आई हमारे पास में वो आई बेटे 35 लाख नंबर ऑफ शेयर्स की। अब अगली बात करते हैं बेटे, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि जो 7 लाख के लिए जो एप्लीकेशन थी उनको तो हमने कर दिया रिजेक्ट। मतलब मैं कहूं अगर बेटे छोटी सी बात, एग्जाम में बैठे हैं तो कम से कम टाइम में हमें क्वेश्चन करना है, 7 लाख तो क्या कर दिया उन्होंने? रिजेक्ट। क्या कर दिया? रिजेक्ट। बताओ कितनी एप्लीकेशन इन्होंने एक्सेप्ट की, इसका मतलब 28। पर क्या 28 लाख को वो 20 लाख शेयर दे सकते हैं? मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है? 20 लाख शेयर्स को क्या क्या उन्होंने बोलो, 20 लाख शेयर्स को बांटा, और किनको दिया? 28 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रोराटा। जरा देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, एंड प्रोराटा वाज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट 28 लाख, है ना, कितने दिए? 30 लाख। कहते हैं क्या, एक्सेस एप्लीकेशन जो भी अमाउंट रिसीव हुई थी कह रहे हैं उसको एडजस्ट कर दिया था इस पर, ऑन अलॉटमेंट पे। बेटे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यही होना है, लेकिन उसको बाद में भी तो लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई खबरदार अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है बेटे? अलॉटमेंट के आगे एडजस्ट नहीं कर सकते। समझे कि नहीं? पक्का? आइए जरा, तो मैं आपको लेकर के चलता हूं थोड़ा सा आगे बेटे। यहाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो पहले एक बार ध्यान से, रवि नहीं पे कर पाया अलॉटमेंट मनी, उसको जो शेयर्स मिले थे वो मिले थे 2500। एक क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट से सारे बच्चे। क्या सर, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी की तरह की इसी तरह के क्वेश्चन है ये, सच बताऊं आपको मजा आएगा। देखो जरा बेटे ये कह रहा है कि भाई रवि जो है ना, रवि उसको हमने 2500 शेयर अलॉट किए। अब आप सोच के देखो बेटे जरा, जब 2500 शेयर अलॉट किए, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर दो ही तो हैं, एक है रिजेक्शन 7 लाख का और एक 28 लाख का, को जिनको प्रोराटा दिया, जिसको जिसने मांगे थे 28 उसको 25 दिए, सॉरी 20 दिए। तो मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, जिसको 20 मिले उसने मांगे 28 थे। तो बेटे इन 2500 की हालत क्या होगी बताओ जरा, जिसको मिले थे 2500, जिसको मिले थे 2500, अलॉटमेंट जिसको 2500 का हुआ, तो उसने क्या 2500 ही मांगे थे क्या? बताओ जरा, नहीं मांगे थे ना 2500, उसने ज्यादा मांगे थे। बेटे जितने शेयर्स थे वो जरा फटाफट निकालना, ये रहा जी 2500, 2500 इंटू 28 बटे 20, बेटे ऐसे आएंगे बच्चों, करो जरा कैलकुलेट फटाफट से। क्या एक काम करूं, ये सारा का सारा काम मैं आपके लिए ना एक पीडीएफ बनाता हूँ, है ना, क्वेश्चन को सोल्व करते करते मैं ना पीडीएफ बनाता हूँ आपके लिए, और कोशिश करेंगे कि आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दी जाए क्लास के साथ में, है ना। तो इन सब बातों को ना हम एक काम करते हैं, लिख के करते हैं अच्छे से। आइए जरा आप लोग बेटे ऐसे कीजिएगा मेरे साथ में ना, इसको लिख के कीजिए कॉपी पे, ठीक है ना। तो मैं लिखता जाता हूँ फटाफट से इन्हीं बातों को, फटाफट से आइए बच्चों। आंसर नंबर 1, हम क्या कर रहे हैं बोलो? प्रैक्टिस ऑफ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। बेटा मेरे साथ साथ नोट करते चलना,
ठीक है ना, आंसर नंबर वन, एग्जाम में हम बैठे हैं और हम इसको डिस्कस कर रहे हैं नहीं कैसे कैसे करेंगे। आइए जरा भाई, मिस्टर क्या नाम है इनका जी, जरा देखना एक बार फटाफट से। बेटे आपके पास अगर पीडीएफ हो गया वहां से देखते रहना, है ना, मैं थोड़ा सा तेजी से काम करना चाहता हूँ। रवि, चलो जी रवि, क्या पहले फटाफट से चार्ट बनाते हैं भाई। इशू किए थे कितने, मतलब एप्लीकेशन आई थी कितनी, एग्जाम में तो बैठे हम शॉर्ट में काम करेंगे ना, एप्लीकेशन कितने की है, एप्लीकेशन है 35 लाख शेयर्स की, नंबर ऑफ शेयर्स जिनकी एप्लीकेशन है। अच्छा तो इसमें से हुआ कैसे कैसे है, इसमें हुआ ऐसे ऐसे है, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा कितने को, 7 लाख को, और अलॉटमेंट किया किसको, अलॉटमेंट किसको किया, 28 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। बेटे इनको तो नील अलॉटमेंट हुआ, इनको हम क्या किया, इनको हमने क्या किया बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट किए वो इन्हीं को तो अलॉट किए थे। कितने बेटे, जब हमारे पास 20 लाख शेयर्स हैं तो हम 20 लाख की तो इश्यू कर सकते हैं, हमने ऑफर निकाला था 20 लाख के लिए। अब बेटा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे, सिर्फ मिस्टर रवि की बात पूछ रहा है। लो बेटे मिस्टर मतलब रवि की बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पहले तो आप इसको देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है रवि नहीं पे कर पाया, बताओ फिर अलॉटमेंट। अच्छा पूरी क्वेश्चन की बात पूछ रहा, अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव हुई उस पर, कहां पर अलॉटमेंट पर, चलो जी शेयर शेयर के केस में अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव हुई, तो फिर एक काम करो फटाफट से वैसे करो बेटे, ऑन एप्लीकेशन बताओ जी, ऑन एप्लीकेशन क्या हुआ बेटे, मैं तो लिख के करा रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसे थोड़ा ना करोगे, आप इससे भी कम टाइम में करोगे। हाँ जी एप्लीकेशन कितने रुपए की है, लो जी पर शेयर का हिसाब किताब लगाओ जी फटाफट से, पहले यहाँ पे पर शेयर यही बराबर बना लो क्या, चलो इसी के बराबर बना लेता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट, नहीं जूम आउट यहीं पे ही बनाते हैं, आइए पहले पर शेयर का हिसाब किताब बनाते हैं। लो जी पर शेयर बेटे एप्लीकेशन पर कितने रुपए बोलो, एप्लीकेशन पर 3 रुपए है ना जी, और अलॉटमेंट पर 7 रुपए, पर शेयर की बात हो रही है। अब बात करेंगे बेटे किसकी, टोटल की, किसकी बात करेंगे बेटे, टोटल की, टोटल बताओ जी, टोटल के केस में जब हम बात करेंगे तो भाई एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई, रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने की हुई और कितने की इसमें ड्यू हुई, ऐसे करते हैं छोटा सा काम करते हैं जिससे कि शॉर्टकट लग जाए हमारा एग्जाम। भाई कितने टोटल बताओ कितने, भाई टोटल की बात करें तो एप्लीकेशन रिसीव हुई हमारी कितने पर, हमारी हुई जी 28 लाख शेयर्स। बेटे शुरू शुरू में ना शॉर्टकट का सिस्टम बनने में आपके लिए टाइम लगता है, आपको भी पता है इस चीज का कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा किस तरह का हम शॉर्टकट निकाले कि एग्जाम में हम लोग काम कर पाए। बेटे जो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई 28 लाख की, 7 लाख की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उनके तो पैसे वापस कर दिए होंगे, तो भाई इनसे पैसे कितने रिसीव होंगे बताओ, 84 लाख पर, क्या 84 लाख इनसे ड्यू होंगे, नहीं, जब उनको 20 लाख शेयर देंगे तो बेटे 3 रुपए के हिसाब से कितना आएगा बोलो, 60 लाख, कितना आएगा बोलो बेटे, 60 लाख। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बेटे बताओ तो जरा इनका कितना एक्स्ट्रा, यानी कि मैं कह सकता हूँ एडवांस है जो कि अलॉटमेंट तक जाएगा, भाई घटा दो इसमें से, सीधी सी बात है घटा दीजिए बच्चों जी, प्यारे प्यारे बच्चों जी घटा दीजिए भाई, 24 लाख, 24 लाख है जो इनका यहाँ पे एक्स्ट्रा रिसीव हुआ। और जब ये 24 लाख एक्स्ट्रा रिसीव हुआ बेटे, इसी को तो वहां पे एडजस्ट करेंगे, है ना, क्या कहा मैंने जल्दी से बताओ बेटे प्यारे प्यारे बच्चों, 24 लाख है जो इनका एक्स्ट्रा एडवांस आया। तो अब मैं कह रहा बेटे अलॉटमेंट के टाइम पर क्या होगा बताओ, भाई अलॉटमेंट के टाइम पर 7 रुपए की बात है, कितने शेयर से बताओ, जो अब बात होगी पहले ड्यू की, पहले बेटे बात किसकी होगी, ड्यू की, बताओ जी ड्यू के केस में कितना बोलो, भाई 20 लाख शेयर्स दिए हैं तो 20 लाख शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से कितना आएगा बेटा, कितना लेना बनता है,
एक करोड़ 40 लाख, सीधी सी बात है, 20 लाख इंटू 7 यानी कि 1 करोड़ 40 लाख। इसमें से बेटे ऑलरेडी जो आ रखे हैं, एडजस्टमेंट हुआ एडवांस का, एडजस्टमेंट हुआ बताओ बेटा कितना, 24 लाख घटा दो भाई, 24 लाख तो हमने ये एडवांस वाले एडजस्ट कर दिए। अब हम देखेंगे, घटाओ बेटे एक एक करोड़ 40 लाख में से 24 लाख घटाओ पहले तो कर दे रहा, तो हमारा निकल आया यहाँ पे क्या, कितने और आने थे, टू बी रिसीव और कितने होने थे, घटा दो 1 करोड़ 40 लाख में से, ये जो है ना यहाँ पर, अच्छा एक जीरो कम है क्या इसमें, 1 करोड़ 40 लाख में से घटा दो, कितने घटाओगे जो ऑलरेडी आ रखे हैं 24 लाख, तो भाई और कितने रिसीव होने थे, 1 करोड़ 16 लाख रिसीव और भी होने थे। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर और जो आने थे 1 करोड़ 16 लाख, क्या ये सारे के सारे आ गए, नहीं, इसमें से नहीं आए, मतलब बेटे कॉल्स इन एरियर्स किसके हैं बेटा, मिस्टर रवि के, क्वेश्चन में जो दे रखा है। अब रवि के कितने रुपए हैं जो यहाँ पर आने थे, हमें उसका हिसाब किताब लगाना है छोटा सा। अच्छा सर बेटे रवि बताओ, रवि को कितने शेयर्स मिले, रवि के पास थे जो अलॉटेड थे, रवि के पास में जो अलॉटेड थे वो कितने थे बेटे, वो थे 2500 ना, हाँ जी 2500 शेयर्स थे जो अलॉटेड थे, पर क्या 2500 के लिए एप्लीकेशन आई होगी, नहीं जी, तो भाई इसका अप्लाइड हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर अलॉटमेंट कितने का हो, 20 का, तो मांगे कितने थे, 28, और अगर अलॉटमेंट है बेटे 2500 का, तो मांगे कितने होंगे जी बताओ जरा, मांगे होंगे भाई 2500 इंटू 28 बटे 20 बेटे, मांगे होंगे 3500, आराम से बच्चों। अब मैं इन 3500 का हिसाब किताब लगाता हूँ, सबसे पहले बेटे ऑन एप्लीकेशन, बेटा मैं तो आपको सिस्टमेटिकली करा रहा हूँ, आपको पता है कि एग्जाम में इतनी फॉर्मेलिटीज आपको नहीं करनी होती, ये तो आपको क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझाने के हिसाब से साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, वरना आप ये काम बहुत जल्दी करेंगे। कितना बेटे रिसीव कितना होगा इंटू 3 रुपए के हिसाब से 10500 बेटे, लेकिन ड्यू कितना बनेगा, जब भाई 2500 शेयर्स अलॉट करेंगे तो 3 रुपए के हिसाब से तो बेटे 7500 रुपए तो बनते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उनके ना 3000 रुपए ऑलरेडी यहाँ पर एडवांस थे, तो जो ऑन अलॉटमेंट जो है अब इनसे ओवरऑल कितना आना था भाई, एप्लीकेशन तो 3 रुपए की थी लेकिन अलॉटमेंट बेटे 7 रुपए का था, तो मैं देखूं उनसे तो ड्यू की बात करूं मैं तो भाई जो 2500 शेयर्स हैं उन पर 7 रुपए के हिसाब से कितना आना बनता है, 17500 आना बनता है बेटे, 17500 आना बनता है, लेकिन ऑलरेडी आ रखा है माइनस एडवांस कितना 3000, तो भाई रवि जो है, रवि जिनके पास 2500 शेयर्स थे उनके यहाँ पर कितने रुपए और आने थे, 2500 शेयर्स तो उनको अलॉट थे यानी मांगे तो उन्होंने ज्यादा थे, तो ऐसे केस में उनका हिसाब किताब हमें देखना पड़ेगा, जितने उन्होंने मांगे थे एप्लीकेशन मनी तो उनके हिसाब से दी थी, तो उनका कुछ ऑलरेडी एडवांस आ रखा था क्योंकि उनको शेयर्स कम अलॉट थे, तो जितने शेयर्स उनको कम अलॉट थे उतने शेयर्स का अमाउंट एप्लीकेशन का एक तरह से उनका एडवांस था। आइए जरा और ये हमने एडजस्ट करके देखा, तो भाई 14500 रुपए इनको यहाँ पर अलॉटमेंट पर और लाने थे, तो मैं कह सकता हूँ मिस्टर रवि को लाने थे 14500 जो यहाँ पर ये टोटल में नहीं लाए, तो यानी कि बेटे यहाँ से हम 14500 अगर घटा दें तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, क्या पूछा है सर देखो जरा ध्यान से, क्या अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विल बी, इसने ये नहीं कहा रवि का, इसने पूछा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विल बी, अमाउंट जो हमें रिसीव हुई, जो हमें रिसीव हुई कब, अलॉटमेंट के टाइम पर, बेटे घटा दो यहाँ से भाई एक करोड़ 16 लाख में से घटा दो बेटे 14500, तो भाई ये तुम्हारे आगे कितने 115855 00। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता इन चीजों पर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर टाइम लग रहा है।
फिर भी मैं देखूं अगर आप ध्यान दो तो हमारा लगभग 2-3 मिनट तो लग गई होगी, है ना। हालांकि इतना टाइम नहीं लगता, 1 मिनट का क्वेश्चन है बेटे, 1 या 2 मिनट का ज्यादा से। हाँ लेकिन पढ़ाते हुए तो बेटे थोड़ा सा 1-2 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा लगानी होगी ना, ताकि आपको मैं समझा भी पाऊँ, और वो भी रिकॉर्डेड में, है ना बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों आओ जरा। तो ये हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है बेटे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको हालांकि इसके बाद में ना इसकी एक आंसर की दे रखी है, स्टिल हम लोग क्लास में तो करेंगे ना बेटे इसकी प्रैक्टिस। चलिए जी आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए फटाफट से, मतलब मैं कह सकता हूँ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए बेटे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है, आंसर इज ऑप्शन डी। अब थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा बेटे, तो आइए जी आई होप आप समझ सकते हैं भाई, समय के हिसाब से चलना है ना हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा बेटा, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर टू। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर टू पे चलें सारे बच्चे फटाफट से मेरे साथ में। लो जी पढ़ो, कंपनी ने ऑफर किए 2.5 लाख, कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए बेटे, 2.5 लाख शेयर्स। तो जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आगे वाले टॉपिक के होंगे, जो भी हमने नहीं किए है ना, मैं उनको बता दूंगा साथ साथ में। जैसे ये वाला क्वेश्चन बेटे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे लास्ट वाली लाइन पहले पढ़नी चाहिए हमेशा, जिससे कि हमें पता चले कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। लास्ट वाली लाइन, व्हाट इफ, मैंने व्हाट इज द नेट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जी इफ एज पर अंडरराइटिंग एग्रीमेंट नो क्रेडिट इज गिवन टू अंडरराइटर जी फॉर हर फर्म अंडरराइटिंग। बेटे ये अंडरराइटिंग का क्वेश्चन है, तो आप फटाफट से इस पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर टू तो अंडरराइटिंग का है, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू हमारा बाद में होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लिस्ट भी बना लेता हूँ साथ साथ में। जो क्वेश्चन नंबर टू वन है वो तो हमारा किसका है, इशू का बेटे। क्वेश्चन नंबर टू है किसका है बोलो, अंडरराइटिंग का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर टू है ये हम लोग ना लेटर होना, मैं इस पर रेड कलर का निशान लगा दूंगा, इसको हम बाद में करेंगे। आइए बेटे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री बड़ी तरह, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है जी, इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर साइलेंट, ठीक है जी, किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियाज। तो मिनिमम रेट कितना है बेटे बोलो, किसके रिगार्डिंग, कॉल्स इन एरियाज का। याद है मैंने आपसे कहा था कि हमारे स्टडी मेट में जो कॉन्सेप्ट है वो तो अपडेटेड है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, उन्होंने अभी पुराना यूज कर लिया था, कोई बात नहीं, हम तो कर ही रहे ना क्लास में। बताओ बेटे हमारे वाले केस में, अब यहाँ पे देखो बेटे कॉल्स इन एरिया से ध्यान रखना, मैंने आपको एक डायलॉग बताया था, पहली बार ऐसा हुआ है कि लेते हुए कम और देते हुए ज्यादा। बताओ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया लेंगे कि देंगे, लेंगे है ना। तो यहाँ पर 10 और 12 में उलझन रहती है अक्सर बच्चों को, ठीक है बेटे। 10% है क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि लेते हुए कम। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर थ्री है उसका आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे आइए, द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर फोर, अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन शुड नॉट बी लेस देन -% ऑफ फेस वैल्यू। बताओ बेटे फेस वैल्यू की बात कौन करता है, सेबी करता है या कंपनी चेक करता है। याद करो मैंने आपको चार्ट में सब दिखाया था, देखो आपके सामने एग्जाम के क्वेश्चन, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, पढ़ो जरा बेटे। याद है 25% तो ऑफ इशू था, सेबी कहता था मिनिमम एप्लीकेशन, लेकिन कंपनी चेक क्या कहता था, 5%। कंपनी जैक बात करता है फेस को देख के, ठीक है आइए जी, और से भी देखता है मार्केट उसमें इश्यू। आइए जरा, तो फेस वैल्यू बेटे क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन हमारा क्या बना, 5। क्या बना, 5। आइए तो मैं ये जो लिस्ट बना रहा हूं, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की बनाऊंगा जिन क्वेश्चन को हमें बाद में करना है ना। आइए जी, तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमारा हो गया जी, क्वेश्चन नंबर फोर भी हमारा हो गया जी। आइए बेटे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बाद में क्वेश्चन नंबर फाइव पे। लो बेटा पढ़ो फटाफट से क्वेश्चन नंबर फाइव, सारे बच्चे फटाफट से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। लो भाई लो, पहले मैं आपको टाइम दूंगा फिर मैं अपना टाइम लूंगा, हाँ ये लेने देने की कहानी चलती रहेगी, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग फटाफट से आंसर देंगे। एनी बैलेंस जो भी रिमेनिंग इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर री इशू, ध्यान रखना री इशू होने के बाद में फिर भी बच गया। तो बेटे पहले जो हमने फॉरफिट की थी अमाउंट, तो उसमें क्या हुआ, हमने जो भी
अमाउंट फोरफिट की थी उसमें यूटिलाइज करते हैं हम लोग री इशू पे। अगर हमने री इशू पर यूटिलाइज करने की कोशिश की और पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ भाई, शेयर प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, पार पे भी इशू हो सकते हैं, ये री इशू के टाइम पर तो डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। तो ऐसे केस में जो अमाउंट शोर्ट पड़ जाती है फेस वैल्यू से, उसको हम क्या करते हैं बताओ? उसको हम यहीं से तो कंपनसेट करते हैं ना, फोरफीचर से। और अगर मान लिया बेटे, अगर वो फोरफीचर अकाउंट पूरा यूटिलाइज नहीं होता, तो जो भी वो सारा सारा प्रॉफिट है कैपिटल में चलता है ना, तो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या बना? कैपिटल रिजर्व। बेटा यहां पर मैं आपसे ये कहूंगा, ये तो दो दो तीन तीन सेकंड के क्वेश्चन है, आपको फटाफट बस गोला भरने में टाइम लगेगा वहां पर, मेरे पास समझ रहे हो। एनीवेज आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 बताओ बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप पढ़िए, फिर मैं बात करूंगा। आइए पढ़ लिया, देखो कितना आसान है भाई। एक महीने का टाइम, दो कॉल के बीच में कम से कम कितना टाइमिंग डिफरेंस बोला है एक्ट में? साफ साफ लिखा है बेटे, एक महीने का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या है हमारा? सी। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्या कहा मैंने बेटे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट, कहते हैं उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हाँ जी, लेकिन कहां पर? ऑफ कोर्स बेटे लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस पे। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या बन गया? बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कलेक्टेड एज प्रीमियम एज ए परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, बेटे मैक्सिमम अमाउंट कितनी कलेक्ट हो सकती है प्रीमियम के रूप में? हाँ जी बेटा, कोई लिमिट ही नहीं लगाई है ना किसी भी एक्ट में, ना कंपनी एक्ट है ना सेबी ने। बस देने वाला जितना रेडी हो ले लो आप, जितना महंगा दे सकते हो फेस वैल्यू पर, अनलिमिटेड। पॉइंट नंबर डी हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद है आपको? अभी तो हमने किया था, ये एग्जाम में ही ज्यादातर रिपीटेशन होती है। पढ़िए जरा। द मिनिमम अमाउंट दैट शुड बी कॉल्ड बाई ए कंपनी विद एप्लीकेशन, भाई कितनी अमाउंट ऐसी है जो कम से कम है ना, द मिनिमम अमाउंट दैट शुड बी कॉल्ड बाई ए कंपनी विद द एप्लीकेशन फॉर इट्स शेयर्स इन द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, भाई इनमें से कोई एक बताओ कि कितने रुपए कम से कम एप्लीकेशन पे आने चाहिए। बेटे आप ही बताओ फटाफट से, हमने पहले भी ये बात की थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करना, ठीक है जी? याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है बेटा, 5%, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को बहुत अच्छे से, एकदम बिल्कुल परफेक्टली करना है। नेक्स्ट, कंपनी नहीं कर सकती है इशू, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? कंपनी नहीं कर सकती है इशू कौन से वाले शेयर्स? आप पढ़ के देखो, एक तो है रिडम्पशन इक्विटी, मतलब रिडीमेबल इक्विटी, दूसरा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऑप्शन ई। क्योंकि बेटे इक्विटी शेयर्स ऐसे हैं जो जिनका रिडम्पशन नहीं होता, रिडम्पशन होने के लिए वर्ड एक जरूरी है, क्या वर्ड जरूरी है बेटे? कि उसके लिए ना डेट फिक्स हो, है ना, और अमाउंट भी फिक्स हो, किस डेट पर देना है और कितने रुपए देना है, ठीक है, तब हम वर्ड यूज करते हैं रिडम्पशन। तो ऐसा कोई इक्विटी का फिक्स थोड़ा आता है ना, इक्विटी तो वैसे भी सबसे लास्ट में जाएगा। तो भाई जब ऐसा होता है क्या कि भाई कंपनी ने क्या किया, एक मिनट, हाँ जी, कंपनी ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया, तो उस टाइम कोई डिसाइड थोड़ा ना होता है कि हम लोग कब जाकर के खत्म करेंगे अपना बिजनेस। तो बेटे ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, इसीलिए ये बातें कही गई हैं, क्या भाई कभी भी उनके साथ वर्ड रिडम्पशन नहीं आ सकता है। आइए जरा अगले क्वेश्चन पे चले। अब हम लोग ये है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए बेटे। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 आपको पहले मौका दिया जाता है कि आप पहले करें, तो मैं वेट कर रहा हूं जी आपके जवाब का, बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, शैतानों, मैं जरा निशान लगा लूं, मेरे पास भी हार्ड कॉपी है ताकि भाई बच्चों को
बता सकूं कहां से कहां तक का हमें नहीं करना है। चलिए जी, हो गया। तो आइए फिर बताइए आगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 11, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस। याद है बेटे, पहले पहले जो था उसका जस्ट डबल हो गया था, पहले 2.5 और 5 का था, अब बेटे अब किसका है, मतलब पहले 5 और 6 का था, अब कितना है, 10 और 12 का कॉम्बिनेशन, और लेते हुए कम और देते हुए ज्यादा। बताओ टेबल एफ के अकॉर्डिंग कॉल इन एडवांस पर कितना परसेंटेज होगा। बेटे पहले बात तो कॉल इन एडवांस पर लेंगे कि देंगे, भाई कॉल इन एडवांस पर इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना, और मैंने आपसे कहा था कि देते हुए ज्यादा, ध्यान रखना कितना है यहाँ पर, 12%, ठीक है। आइए जी फटाफट से निशान लगाइए, तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा ऑप्शन बना वो ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन शेयर्स आर इशू टू प्रोमोटर्स फॉर दियर सर्विस। बेटे जिस टाइम पर प्रमोटर वो कर रहे हैं बेटे, उस टाइम पर ना क्या हुआ, कंपनी थी नहीं, तो उस टाइम के लिए क्या होता है, उनको जो भी पेमेंट दिया जाता है वो सारा का सारा क्या है, एक तरह से एक्स्ट्रा पेमेंट है, तो वो गुडविल में डेबिट होता है हमेशा। आपको पता है हमने किया है नॉन कैश वाले में, तो कहां पर डेबिट होगा, गुडविल में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी। देखिए जिस पॉइंट पर न्यूमेरिकली जहां पर डिस्कशन का बहुत ज्यादा पॉइंट है, मैं आपसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, टाइम ज्यादा लूंगा बल्कि एक्सप्लेन करने में, है ना, लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस में आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, एग्जाम में कैसे करेंगे, हाँ मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाऊंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि मैं क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा बनता है। आइए जी, तो ये क्या कहते हैं बेटे, ये क्या कहते हैं, देखो यहाँ द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच, क्या कहा मैंने बेटे, द मैक्सिमम अमाउंट बियॉन्ड विच एक कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड। भाई जिससे ज्यादा कंपनी अलाउ नहीं कर सकती, है ना, वो ऐसी क्या चीज है इनमें से। ऑफ कोर्स बेटे रजिस्टर्ड कैपिटल, जिसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहां पर शो किया जाता है, ऑफ कोर्स बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में, और रिजर्व एंड सरप्लस कहां पर होता है, ट्रेडिंग में होता है, पीएनएल में होता है, असेट्स में होता है, कहां पर होता है, ऑफ कोर्स लायबिलिटी साइड में होता है। आइए जी, तो इसका है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, टिक करते चलना जी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू फाइंड आउट द पेड अप कैपिटल। भाई कौन सी चीज घटा करके हम पेड अप कैपिटल पे पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है कॉल सी नीरेस्ट को घटाया जाता है कॉल्ड अप में से, तभी तो पेड अप आता है। फिर भी पढ़िए जरा, ऑप्शन नंबर ए कॉल सी एडवांस, ऑप्शन नंबर बी कॉल सी नीरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी शेयर्स फॉरफीचर, ऑप्शन नंबर डी डिस्काउंट। ऑफ कोर्स बेटे डिस्काउंट तो अब है ही नहीं, और शेयर फॉरफीचर तो इशू के बाद की कहानी है, और एडवांस तो उल्टा पैसा एक्स्ट्रा होता है, तो कॉल सी नीरेस्ट घटा करके तो पता चलता है कितने रुपए पेड अप है। आइए कोई याद कर रहा है तुम में से, तभी मुझे हिचकी आ रही है। आइए जी क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अपीयर अंडर द हेड शेयर कैपिटल। भाई इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो शेयर कैपिटल हेड में नहीं शो की जाती है। बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैपिटल में आएगी, शेयर फॉर फ्यूचर, और इधर क्या है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, और कैपिटल रिजर्व। बेटे कैपिटल रिजर्व हमारा है जो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, बाकी सारी चीजें हम क्या करते हैं बताओ, पता है हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं उसको, आइए मैं बता भी देता हूँ यहाँ पर। बैलेंस शीट में हम लोग जो करते हैं, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बेटे ध्यान देना इस चीज पर। बैलेंस शीट में देखो आंसर तो आपको मैंने बता ही दिया, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है। बैलेंस शीट में शेड्यूल थर्ड कंपनी की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो यहां पर शेयर होल्डर फंड्स होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, एक तो होता है बेटा शेयर कैपिटल, ये सब काम हालांकि नोट्स अकाउंट्स में हम लोग करते हैं, और दूसरा क्या होता है बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस। मैं ये मान करके आंसर दे रहा हूँ कि बच्चों को बेसिक पता है, फाउंडेशन में बच्चे ने शेड्यूल थर्ड ढंग से पढ़ रखा है, फॉर्मेट एटलीस्ट फॉर्मेट। हाँ जी, तो शेयर कैपिटल के अंदर ही हमारा क्या आता है बेटे, जो कॉल्ड अप है चाहे वो इक्विटी की हो चाहे प्रेफरेंस की हो, उसमें से हम क्या घटाते हैं बताओ, कॉल्स इन एरियस घटाते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है बोलो बेटा, पेड अप।
बेटे पेड अप में ही तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर का, और अगर किसी का कॉल इन एडवांस होता है तो वो भी बेटे हम इसमें प्लस करते हैं। भाई रिजर्व एंड सरप्लस तो हेड अलग है, कैपिटल का हेड एकदम अलग है, और फिर जाके कहीं नंबर आता है इसका रिजर्व एंड सरप्लस का। तो जो शेयर फॉरफीचर है, जो कॉल्स इन एडवांस है, जो कॉल्स इन एरियर्स है, इन तीनों के बारे में बात कहां पे होती है, शेयर कैपिटल में, वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं होती है। तो शेयर होल्डर फंड के जो दो पार्ट है उसमें शेयर कैपिटल में होती है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, दोबारा से बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है डी। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। हाँ बेस पसंद है जी, बिल्कुल पसंद है आपका, तभी तो बेस क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी। क्यों? क्योंकि कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, आइए जी बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सत्य है रिगार्डिंग कॉल्स इन एरियस। आप पढ़ो जी पहले, अब मैं आपको टाइम दिया करूंगा और मैं तब करूंगा। प्रैक्टिस तो ऐसी होगी, मैं करता जा रहा हूँ प्रैक्टिस, तुम तो कर ही नहीं रहे हो, फिर तो मैं थोड़ा जाऊंगा एग्जाम देने। पढ़ो और जो सबसे पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है, इनमें ये मजा रहता है सबसे पहले। आओ बेटा भी जो इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो बिल्कुल जो ट्रू है जी। आइए जी कॉल्स इन एरियस इज दैट पार्ट ऑफ फोल्ड अप कैपिटल व्हिच इज रिमेन अनपेड। लो जी पहले में मिल गया, बिल्कुल सही बात है जी। कॉल्स इन एरियस फोल्ड अप कैपिटल का वाला पार्ट होता है जो अनपेड है, तभी तो उसको घटा करके पेड अप पे पहुंचते हैं। पॉइंट नंबर बी और सी और डी को वैसे डिस्कस कर लेते हैं, है ना, क्या पता कहीं और क्वेश्चन में मिल जाए तो क्लैरिटी तो रहनी चाहिए ना। इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट अंटिल द डिफॉल्टेड शेयर्स आर फॉरफिट। कहते हैं कि इसको बैलेंस शीट में तब तक नहीं दिखाया जाएगा जब तक उन शेयर्स को फॉरफिट ना कर ले जिन पे डिफॉल्ट हुआ है। भाई नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, फॉरफिट इनको तब करते हैं, है ना, तब तक हम उसको बैलेंस शीट दिखाते रहते जब तक फॉरफिट नहीं करते। उन्होंने कहा इनको बैलेंस शीट में तब तक नहीं दिखाया। इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, तब तक नहीं दिखाते, बस गलत बात बोल के, है ना, इनको तो तब तक दिखाते रहेंगे जब तक फॉरफिट ना कर ले। बेटे हो सकता है ना ये सेम क्वेश्चन आपको किसी और क्वेश्चन का पार्ट बन के आ जाए, है ना, तो ध्यान रखना हमें डिस्कस पूरा करना है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस कह रहे हैं चार्जेबल 5%। बताओ बेटे तो पुरानी वाली बात है, बहुत पुरानी वाली बात, और वो भी 5% तो हो ही नहीं सकती। एरियस पर देते हैं ना कि लेते हैं, उस पर पुराना भी रेट 6% था, है ना, अब तो पहले टेबल ए हुआ करती थी, अब तो बेटे टेबल एफ है ना। अगर टेबल एफ अडॉप्ट करते हैं तो उस पर 5% का चार्जेबल होता है टेबल एफ के अकॉर्डिंग। नहीं जी, टेबल एफ कहती है कॉल्स इन एरियस पर 12%, कॉल्स इन एडवांस पर 10%। चलिए जी, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस नीड नॉट टू बी परमिटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। गंदी बात। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस बहुत काम का पॉइंट है ये, ध्यान से सुन लो, सबसे खतरनाक। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस नीड नॉट टू बी परमिटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले है भाई परमिशन सबसे पहले चाहिए इनके बारे में। हाँ रेट भूल जाए तो टेबल एफ कह रही है कि ये रेट लगेगा, ठीक है ना, सबसे पहले तो ये है कि परमिशन होनी बहुत जरूरी है। पता चला आर्टिकल में परमिशन ही है, हम कह रहे हैं भाई आर्टिकल में हमने परमिशन तो देनी, अच्छा, और हम टेबल एफ का रेट लगा रहे हैं, ऐसे कैसे लगा देंगे। दो पॉइंट है, सबसे पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होनी चाहिए कि भाई हमें इंटरेस्ट देना है या लेना है, अगर वो नहीं है तो टेबल एफ ये ऐसी बात नहीं करेगी। रेट की बात करती है कि अगर आर्टिकल कहते हैं तो, और रेट लिखना भूल जाते हैं तो भाई रेट जो है मैक्सिमम इतना होगा। हाँ चलिए जी, तो दूसरी बात ये थी बेटा। आइए जी अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए बेटे, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल। हेलो बेटे आप खुद ही बता दोगे रजिस्टर्ड कैपिटल कौन से बेटे, ऑथराइज कैपिटल, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए तो जरा, पहले मैं आपको मौका देता हूँ, पहले आप पढ़ेंगे जी, आप पढ़ोगे आपको आएगा, मैं पढ़ूंगा मुझे आएगा। लो जी लो आगे चलो, लो जी लो आगे चलो, चलते चलो चलते चलो। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, चलो मेरे साथ पढ़ो मेरे साथ।
पढ़ो पढ़ो जी, पढ़ो पढ़ो, आओ जी अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन ज्यादा करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड मेड ए कॉल, डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड मेड ए कॉल, फाइनल कॉल, 30 rupees पर शेयर ऑन 15 January 2004। बेटे 15 जनवरी 2004 क्या कहा मैंने बेटे, 15 जनवरी 2004 को उन्होंने फाइनल कॉल की थी, किसको, मिस्टर सी को, जिसके पास 7,500 शेयर्स थे, और उन्होंने पे की 15 मार्च को। तो मैं कह सकता हूं जनवरी 15 से लेकर के उन्होंने कहां तक का पीरियड वो हो गया, मार्च 15 तक, जनवरी फरवरी और मार्च, है ना जी, जनवरी फरवरी मार्च। अच्छा इसमें एक लाइन लिख लेना, इसमें एक लाइन का मिसप्रिंट है बेटा, बच्चों इसमें ना एक लाइन का मिसप्रिंट है, मैं लिखा दूं इस क्वेश्चन को, लो मैं इसके क्वेश्चन पे ही दिखा रहा हूं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसमें एक लाइन लिखना भूल गए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये बेटे एग्जाम का क्वेश्चन है, तो मेरे सामने सारे पास शेयर के क्वेश्चन रखे हुए, इसमें किस जगह पर सर लाइन छूट गई जरा हमें बताओ सर, हम उसको वहीं पे लिख लेंगे अपनी बुक में, क्योंकि आपके पास तो सर सॉफ्ट हार्ड कॉपी है, हमारे पास हार्ड कॉपी, हमने प्रिंट आउट निकलवा ली या हमें सेंटर ने भेज दी। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे जी, आइए जरा मैं आपको पहले बताता हूँ बेटे, तो सारे बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे फटाफट से, ये वाला पॉइंट जो है मिस्टर सी, हाँ इस वाले के जस्ट ऊपर, यहां पर हम लोग नोट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो डेट है ना जनवरी 15 2004, इसके तुरंत बाद में हमें कुछ लाइन लिखने थे छूट गई है, तो बेटे इस जगह पर हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है जी, तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं उसको अलग से कॉपी में लिख रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। देखिए बेटा या पूरे लिख दूं, चलो, डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड मेड फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 30 rupees पर शेयर मुझे लिखता हूं ए कॉल ऑफ 30 rupees पर शेयर ऑन जनवरी 15 2004। उन्होंने फाइनल कॉल कब की बेटे, जनवरी 15 2004, और ये बात वहां पर इंडिकेट की, इंडिकेटिंग बेटे कट ऑफ डेट दी जाती है ना, इंडिकेटिंग द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल मनी टू बी January 31, 2004। फिर इसके बाद में कहानी हो गई, मिस्टर सी होल्डिंग 7,500 शेयर्स पेड द कॉल मनी ऑन मार्च 15, 2004। इफ बेटे मैं पूरा क्वेश्चन लिखा रहा हूं, पता चला कोई मिसप्रिंट ना आ जाए,
इफ द कंपनी अडोप्ट टेबल एफ, अगर कंपनी टेबल एफ अडोप्ट करती है तो भाई इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स टू बी पेड बाई मिस्टर सी कितना है? अब मैं आपको उसको सोल्व करना सिखा रहा हूं बेटे, बताओ लास्ट कट ऑफ डेट क्या थी? लास्ट जो डेट थी बेटे वो ये वाली डेट थी, जो लास्ट डेट थी बेटा वो थी जनवरी 31, और उन्होंने पे कब किया बताओ? उन्होंने पे किया बेटे 15 मार्च को, मतलब मैं कह सकता हूं उन्होंने लेट पे किया। हाँ सर, तो उनको इंटरेस्ट देना होगा। हाँ जी सर, तो वो कितने रुपए इंटरेस्ट देंगे? पहली बात बेटे, टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट अगर बात हम करें तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग कितने का रेट है बेटा? इस पर लेंगे ना इंटरेस्ट, 10% पर एनम का रेट होगा सबसे पहली बात। फिर दूसरी बात, हमें क्या चाहिए बेटे? अमाउंट चाहिए। और क्या चाहिए बेटे हमें? अमाउंट के साथ साथ में क्या चाहिए बेटा हमें? चाहिए कितनी ड्यूरेशन है। तो पहले तो अमाउंट की बात करो जिस पर इंटरेस्ट निकलना है, अमाउंट ऑन फाइनल कॉल जो आनी थी वो कितने शेयर्स पर आनी थी बेटे? 7500 शेयर्स पर आनी थी। और बेटा कितने रुपए के रेट, कितने रुपए के हिसाब से आनी थी? 30 रुपए के हिसाब से आनी थी, 30 रुपए पर शेयर। तो बेटा 7500 × 30 कितना होता है बच्चों? बेटा ये है 225,000 रुपये। तो बेटा बच्चों 225,000 रुपये जो है वो है हमारा यहाँ पर फाइनल कॉल का अमाउंट जो आना था, जो लेट आया। अब जितने टाइम तक वो लेट आया भाई इंटरेस्ट तो उतने टाइम का देंगे ना। लो बेटा जी 225,000 रुपये पर बेटा जी, बच्चों जी 10% के हिसाब से कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? डैश बटे 12, ध्यान रखना 10% पर एनम होता है। कई बच्चों को तो सीधा 10% लगाने की आदत होती है, बेटे 10% पर एनम होता है। बताओ जी कितने महीने का? भाई जनवरी 31 को लाना था। हाँ जी, कब लाए? मार्च 15 को। तो कितने महीने, कितना टाइम डिले हुआ? फरवरी गया और आधा मार्च गया, यानी मैं कह सकता हूं बेटे 1.5 महीने का इंटरेस्ट यहां पर लगेगा। बेटे अमाउंट बताओ जी कितना आया? 225,000 का 10% × 1.5 / 225,000 का 10% × 1.5 / 12, ये आ गया बेटे 2812.50 रुपये। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में 2812.50 रुपये है क्या? हो सकता है 2812 रुपये हो सकता है 2813 रुपये हो, ये भी एक वैलिड आंसर रहेगा अगर ये नहीं दे रखा है तो। आइए जी हमारे क्वेश्चन में जो आंसर में दे रखा है 2812.50 रुपये, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19 का बेटे ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी लिमिटेड, क्या काम है ने बेटा? जी लिमिटेड, जी लिमिटेड एक्वायर्ड, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो बेटे जी लिमिटेड एक्वायर्ड असेट्स जिसकी वर्थ कितने की थी बेटे? 7.5 लाख की। कितने की बोलो बेटे? 7.5 लाख रुपए की। वो किससे खरीदती है? एच लिमिटेड से। ठीक है जी, बाई इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 ईच। बेटे कितने के शेयर्स इशू करती है साथ में? 100 वाले। और कितने के प्रीमियम पे बताओ? एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, यानी मतलब मैं कह सकता हूँ 100 रुपए का शेयर 125 रुपए का लगाया गया।
बताओ अगर मान लिया आपसे फीस लेनी है 7.5 लाख और हम कहें भाई एक काम करो, फीस को कैश में देने के बजाय आप ना शेयर्स में दे दो। किसमें दे दो? शेयर्स में दे दो। आपने कहा सर हमारी जेब में तो 100-100 रुपए वाले शेयर्स हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर हमारे शेयर्स ना मार्केट में बड़े महंगे बिक रहे हैं आजकल, तो वो 100 रुपए के शेयर्स आप कहना चाहते हो कि 125 रुपए के आप लगाओगे, मतलब आप मेरे को एक शेयर दोगे तो मैं उसके चेहरे पे भले फेस पे 100 रुपए लिखा होगा मैं उसको कितने का मानूंगा? 125 रुपए का मानूंगा। तो ऐसे कितने शेयर्स आप मुझे दोगे, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो जी लिमिटेड इशू करेगी सेल्स कंसीडरेशन के रूप में? आइए बेटे आपको पता है इसमें कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारा कौन सा नंबर आंसर था? आंसर नंबर 20। देखिए बेटे आंसर नंबर 20 बेटा सेल्स कंसीडरेशन कितना है बोलो? सेल्स कंसीडरेशन और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग क्या नंबर ऑफ शेयर, नंबर नहीं नहीं नंबर ऑफ शेयर्स को निकालने हम उसको डिवाइड कर देंगे बेटे इशू प्राइस। तो ये क्या आ जाएंगे बेटे? नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू करेंगे हम वो आ जाएंगे। तो बेटा कितने का सेल्स कंसीडरेशन है जरा चेक करो? 7.5 लाख। सौ रुपए की फेस वैल्यू है और बेटा इश्यू प्राइस जो है वो है 125 रुपए का बेटे, तो 125 से डिवाइड कर दो ठीक है जी। 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 125 कितना आ गया बेटे? 6000। यानी कि 6000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि वहां पर क्या होगा, जो कि वहां पर क्या होगा बेटे इश्यू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बी लिमिटेड है जी, बी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, प्रपोज टू इशू 1 लाख, वो चाहती है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जो इशू किए जाएं, कितने? 10-10 वाले और एट पार। कितने पर इशू करेंगे बेटे? पार पे, 10-10 वाले 10-10 पर, बाई ए प्राइवेट, बाई वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ठीक है जी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज उस पर कितनी होगी जी? हाँ जी क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। आइए जी बेटा ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रोकरेज की मैक्सिमम जो परसेंटेज है ना वो 5% है ठीक है। आप लिख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 20, ये ना थ्योरी में आप पढ़ोगे तो निकल के आएगा 21। ब्रोकरेज की जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना है बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट 5%। बताओ बेटे कितने के शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स हैं, 10-10 वाले और कितने पर इशू हो रहे हैं? 10 रुपए पर। बेटा ध्यान रखना ये इशू प्राइस पर लेगा भाई, जो जितने पैसे दिलाएगा जेब में उसका कमीशन खाएगा, ब्रोकरेज माने कमीशन। तो ये कितना है? 5% है। जरा बताना 1 लाख शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बेटा इशू प्राइस कितने का है? वो भी कितने का है? 10 रुपए का। तो टोटल अगर मैं देखूं तो कितने रुपए बने बताओ? 10 लाख रुपए और इसका परसेंटेज 5% मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में तो पार पे, किसी और क्वेश्चन में अगर ये प्रीमियम पे मिल गए तो डिस्काउंट पे तो हो नहीं सकते। तो बेटे जो प्रीमियम जोड़ने के बाद में जो प्राइस आएगा इशू प्राइस, उसके बेसिस पर हम निकालेंगे फेस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में इशू भी पार पे था तो इसलिए इस पर 5% वही आएगा, जो इशू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों का सेम आएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में इशू प्रीमियम पे होगा वहां बेटे प्रीमियम पे निकलेगा। कितना है बेटे? 50,000। लो जी बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा जो ऑप्शन है बेटे वो क्या है? हमारा सी है। आइए जी अब हम चलते हैं कहां पर? क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए बेटे, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से पढ़ना बेटे।
सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन की ना लास्ट लाइन पढ़ा करो, एक और तरीका आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ा करो कि उसको पूछ क्या रहा है, फिर जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग ना उधर की तरफ से ही दौड़ता रहता है, क्वेश्चन में हम ऑटोमेटिकली वाली बात ढूंढने लगते हैं, और फिर क्वेश्चन पढ़ने का एक अलग ही मजा आता है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो खासकर। वैसे आप जब भी कभी हो सकता है भाई कोई और एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर सब्जेक्टिव आप कर रहे हो, ये एक बड़ी सही स्ट्रेटेजी रहती है क्वेश्चन को सोल्व करने की। पहले हमेशा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लो और फिर क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि आपका पढ़ने का नजरिया चेंज हो जाएगा। पढ़िए जरा सबसे लास्ट लाइन, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू मिसेस एम ऑन कॉल इन एडवांस, यानी कि एक बात पक्का है जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें मिस्टर एम का कोई एडवांस रहा होगा कॉल का, कॉल इन एडवांस पर उसको कंपनी इंटरेस्ट दे रहे होंगे, तो कितने रुपए उसको पे कर रहे हैं वो इस बात को ढूंढवाना चाहते हैं। अब पढ़ना जरा कितना प्यारा क्वेश्चन है, यूके लिमिटेड ने इशू किए 20,000 शेयर्स, अच्छा जी ठीक है जी 20,000 शेयर्स इशू कर दीजिए, कह रहे 10-10 वाले हैं और 12-12 पर इशू किए, क्योंकि बेटे 20% क्या है प्रीमियम है, यानी कि 12 रुपए पर इशू है, मई 1, 2004 को इशू किए, और पेपर किस तरह से थे इस प्रकार से, क्या एप्लीकेशन पर देखो बेटे 2 रुपए का प्रीमियम है, ये आपको पता है वो इसमें एप्लीकेशन पे शामिल है, मतलब मैं कह सकता हूँ अगर कायदे से मैं बात करूँ, सर बात कायदे की करना, हाँ हाँ कायदे की होगी हमारी बात, मतलब इन द सेंस कि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो बेटे यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देनी होगी, क्या सर जो 2 रुपए प्रीमियम है वो इसके अंदर शामिल है, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2.5 कैपिटल का था और 2 रुपीज प्रीमियम के थे, इस तरह से 4.5 थे, यानी कि कैपिटल के नाम के एप्लीकेशन के नाम के एक्चुअल में 2 रुपए थे, सॉरी 2.5 रुपए थे, तो एक तो बेटे 2.5 रुपए, फिर इधर ये क्या बोलते हैं 2.5 रुपए कितने हो गए 5 कैपिटल के नाम के देखे हम करें, और फिर 5 पे यहाँ पर कैपिटल के नाम के ऐसे मांगे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मिसेज एम जिनको 1,000 शेयर्स थे अलॉटेड, कितने 1,000 शेयर्स मिसेज एम के पास थे, उसने पे किए बेटे 5,000 एक जून को, बताओ 1,000 शेयर्स अगर मैं देखूं 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए के होते, और 2 रुपए का अगर मैं प्रीमियम काउंट करूं तो भाई 2,000 रुपए प्रीमियम भी हो जाता है, टोटल मिलाकर के अगर मैं बात करूं मिसेज एम को ओवरऑल जो देने थे 10,000 तो कैपिटल के नाम के देने थे और 2,000 तो प्रीमियम के नाम के देने थे, जिनके पास 5,000 शेयर, सॉरी गड़बड़ 10 रुपए का शेयर है ना, हाँ जी सही तो है 1,000 शेयर है ना, मैंने सोचा 5, तो 1,000 शेयर्स पर 12 रुपए के हिसाब से टोटल 12,000 रुपए दिन में आने हैं कंपनी, उसने क्या किया 5,000 रुपए 1 जून को दे दिए, 1 जून को क्या हो रहा था जी बेटे 1 जून को क्या हो रहा था, आइए जरा 1 जून को मतलब एट द टाइम ऑफ रिमिटिंग द अलॉटमेंट मनी, जब अलॉटमेंट मनी की बात हुई She indicated the excess money should be adjusted towards coal money. कहते हैं कि जो भी extra amount है, भाई आप उसको coal में adjust कर दीजिए, ठीक है? The directors of company made first and final call on 31st October. Company has a policy of paying interest on policy advance. पहली बात बेटे policy है कि नहीं ये matter करता है. Table up policy बनाने को नहीं कहती. Table up कहती है अगर interest का rate भूल जाओ तो हमसे बात कर लेना, ठीक है जी? आइए जी देखो बेटे क्वेश्चन ने क्या कहा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है मिसेस एम के पास, आइए मैं इसको लिख के कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 22 मतलब आंसर नंबर 22, बात है मिसेस एम की, और साथ में एक डिटेल और बना लेते हैं बेटे पर शेयर की डिटेल, तो बेटे इधर है बात पर शेयर की,
बेटे यहाँ पर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे कितने रुपए? 2.5 प्लस 2 टोटल मिलाकर के 4.5 जीरो। यह है बेटे प्रीमियम का, 2 रुपए प्रीमियम के। फिर है बेटे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितने? 2.5 रुपए। फिर है बेटे फर्स्ट कोर, इस पर कितना है बेटा? 5 रुपए। इस तरह से ये टोटल हिसाब किताब है, मतलब 10 रुपए का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पर, मतलब टोटल बेटे 12 रुपए मांगे जा रहे हैं। अब मिसेस एम की बात करें तो इनके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने बेटे? 1000। तो अगर मैं आपसे बात करूं इनको एप्लीकेशन पर, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल क्या इनका हिसाब किताब रहा बेटे? आपको पता है ये एप्लीकेशन कितने की है? 4.5 रुपए की। अब बताओ यहां पर क्या कहता है, यहां पर इसने क्वेश्चन में क्या बोला? देखो जरा डेट देखो एक बार पहले, ये क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो 1000 शेयर्स हैं वो अलॉट किए गए थे, और बेटे कब एप्लीकेशन कब हुआ बताओ? 1 मई को। उसने पे कर रहे थे 5000 रुपए जून 1 को, ठीक है। आइए इस डेट में 1 जून को, और उस डेट पर क्या था बेटे? वहां पर ना अलॉटमेंट हुआ था। तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन ने जो हमें बताया वो ये बताया कि भाई अलॉटमेंट के टाइम पर उन्होंने 5000 रुपए पे किए, उन्होंने एप्लीकेशन की बात नहीं की। देखना जरा बेटे, यानी कि एप्लीकेशन पे रिसीव हो चुका होगा पूरा पैसा, और पूरा पैसा ड्यू भी हो चुका होगा। ऑफ कोर्स 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4500 आएंगे, यहाँ पर कोई एडवांस थोड़ा था। अलॉटमेंट की बात करो बेटे, अलॉटमेंट कितने का है बेटा? 2.5 रुपए का। जरा देखना अलॉटमेंट 2.5 रुपए का बेटे, यहाँ पे जो अलॉटमेंट ड्यू हुआ जरा चेक करना, ड्यू कितने का हुआ बेटा? 1000 शेयर्स पर ऑफ कोर्स बेटे 2500 का। बेटा यहाँ पे कोई एडवांस छोड़ना है ना, तो इसका मतलब, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पे लेकिन क्या हुआ, कंपनी को जो रिसीव हुआ वो ज्यादा रिसीव हुआ यहाँ पर, रिसीव्ड। यहाँ के लिए बता रखा है क्वेश्चन ने कि यहाँ पर ना उन्होंने 5000 रुपए पे किए। जरा देखो पेड कितना? 5000। ये डेट जो है ये 1 जून की डेट है। ये कौन सी डेट है बेटा? 1st of June। इस डेट को 5000 रुपए कंपनी को मिले, तो बेटे बताओ मुझे कितने एक्स्ट्रा हैं, एडवांस कितने हैं जी? एडवांस, और ये कॉल के पैसे हैं। अलॉटमेंट तो हो चुका, अलॉटमेंट तो मिल रहा है, अलॉटमेंट पर ये एडवांस है कितने रुपए बेटा? 2500 रुपए। भाई फर्स्ट कॉल की अगर मैं बात करूं, आगे देखो, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल की गई कब? 31 अक्टूबर को। लो बेटे फर्स्ट कॉल जब ड्यू हुई होगी, फर्स्ट कॉल जो ड्यू हुई होगी, पहले बात कितने रुपए की होगी? ऑफ कोर्स बेटे 5 रुपए की, तो वहां पर जो ड्यू हुए होंगे तो पता है 5000 रुपए के हिसाब से बैठ गए होंगे, क्योंकि 1000 शेयर था, 5 रुपए के हिसाब से ये हुए होंगे। फिर ये एडवांस यहाँ पे एडजस्ट हुए होंगे, एडवांस एडजस्टेड कितना बेटा? 2500 रुपए। तो बेटे इसके बाद में जो बचा हुआ पोर्शन है कितने का? 2500 का। वो इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि भाई इसमें कोई एरियर्स हुए, यानी कि ये रिसीव होने थे और ये टाइमली रिसीव हो भी गए, इसके बारे में कोई एरियर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो मैं बात लेकिन इसलिए यहाँ पूरी लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन या ना रह जाए। अब पॉइंट हमारा जो है इस क्वेश्चन में, वो पॉइंट है बेटे कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट देने का। तो इंटरेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है, इंटरेस्ट ऑन, अच्छा ये कौन सी डेट है? ये हमारी 31 अक्टूबर। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं जी।
बेटा बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पर टेबल ए लगेगी 10%, है ना। अच्छा तो ठीक है जी, ये जो 2500 है जो एडवांस था उस पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, लेकिन कितने पीरियड का देंगे बेटे? 1 जून से लेकर काउंट करो 31 अक्टूबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर पूरा गया 31, यानी मैं कह सकता हूँ बेटे पूरे 5 महीने, 5 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा जी? जल्दी से करो, 2500 × 10% × 5/12 बेटे, ये हो गया 100, कितना बैठ गया जी ये, जरा करना फटाफट से करो जल्दी जल्दी। अच्छा एक मिनट, रेट सही करो बेटे, ये 12% है ना, देते हुए ज्यादा लेते हुए कम, कितना बैठेगा जी? 2500 का 12% × 5/12 बेटा, ये आ गया आपका कितना? 125 रुपए। आइए जी, ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कोर्स इन एडवांस, ऑप्शन में है, हाँ जी, ए बी सी डी बेटे, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें बेटे, फास्ट प्रैक्टिस करनी है, सुपर फास्ट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, पहले आप पढ़ोगे जी, अब पहले मैं आपको मौका दूंगा, जैसे मैंने कहा था फटाफट से पहले आप पढ़ेंगे, तब तक मैं जरा क्वेश्चन को ना यहाँ से रीड भी कर लिया करूंगा और मैं भी आपके लिए जरा कुछ मटेरियल बताने का इकट्ठा कर लिया करूंगा कि हाँ भाई बच्चों को इस तरह से बताया जाए ताकि जल्दी से ज्यादा क्लियरिटी हो। रिकॉर्डिंग के हिसाब से हम लोगों की बेटे होती है ना एनालिसिस बच्चों के लिए कि भाई बच्चा इस टाइम पर इस जगह पर ये डाउट लेके बैठा होगा, तो हम उसकी बात करते हैं। बेटे पढ़ लिया? अब तो पढ़ लिया होगा जी, इतना टाइम तो बहुत है, पढ़ो जरा, जरा मेरे साथ पढ़ो। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, विच वन ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए लागू होती है, बाकी सारी बात लोगों के लिए लागू होती है? पढ़िए बेटे, शेयर होल्डर और रिस्क रहता है लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट का, भाई दोनों में से कोई भी हो, चाहे छोटा शेयर होल्डर हो चाहे बड़ा शेयर होल्डर हो, बेटे रिस्क तो है, मान ले कंपनी डूबी तो वो ये थोड़ा ना कहेगी नहीं नहीं चलो इसको नहीं कुछ कहते, जब पैसा डूबेगा तो बेटे दोनों का डूबेगा, दोनों के लिए लागू है बात। हमें ढूंढनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए कौन सी बात खाली है जो लागू होगी। शेयर होल्डर्स फियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉस, बिल्कुल है जी, अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ और उल्टा लॉस हुआ तो डिविडेंड बांटेंगे क्या? प्रेफरेंस वाले को भी चांटा लगाएंगे, अगर खबरदार तुमने पहले मांग दिया, तेरा राइट क्यूमुलेट कर ले, अगले साल ले लियो जब प्रॉफिट होगा, खबरदार जो, और सचमुच में नहीं लगाएंगे चांटा, ये तो मजाक वाली बात है ताकि तुम समझ में आ जाए, नहीं देंगे जी, सीधी सी बात है, डिविडेंड लॉस के केस में नहीं दिया जाएगा। शेयर होल्डर्स यूजुअली, क्या शेयर होल्डर यूजुअली हैव द राइट टू वोट, बेटे दोनों शेयर होल्डर के लिए बात है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग हो तो उनकी बात अलग, उनकी बात अलग है, यूजुअली उनको राइट टू वोट दिया जाता है नॉर्मली। हाँ नेक्स्ट, डिविडेंड्स आर यूजुअली गिवन एट ए सेट अमाउंट इन एवरी ईयर, यानी कि अमाउंट फिक्स कर रखी है सबकी, मतलब ही नहीं बैठता, ये बात तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए लागू है जी, सिर्फ उनकी अमाउंट फिक्स कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, देखो कितने प्यारा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस नहीं हो सकता इससे ज्यादा, बताओ बेटे 12%, ध्यान रखना कंपनी देगी, सिंगम बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पर, तो देते हुए ज्यादा और लेते हुए कम। क्वेश्चन नंबर 25, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज मेंशन इन द कैपिटल क्लोज इज नोन एज, बताओ बेटे जो भी हमारा ऐसा पॉइंट है जिसको कि हम कैपिटल वाले क्लोज में लिखते हैं
बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड है ना, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी रिजर्व सरप्लस है, और एक है हमारा क्या कैपिटल क्लोज। बताओ बेटे कहां पर लिखते हैं हम? मैंने आंसर आपको बताई दिया, उसमें सारे के सारे होते हैं बेटे, उसमें सारी कैपिटल आती है, ऑथराइज्ड, इशूड, नहीं ऑथराइज्ड की बात में इशूड, फिर सब्सक्राइब, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आइए जी, जाना माना लग रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी, अनपेड कोर्स कहलाती है कैपिटल का वाला पोर्शन जो नहीं रिसीव हुआ, अनपेड कोर्स कहते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए बेटे, आप सबको पता है इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, एग्जाम में भी पता है ऐसे ही होगा, वहां पर क्वेश्चन अगर लेंदी भी आ जाए तो घबराना मत, वहां पे क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में कम तो दूसरे में ज्यादा, किसी में ज्यादा तो किसी में दूसरे में, यानी किसी मतलब कम भी लगना है, तो जब तुम्हें लगे कि किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको तुरंत साइड करके फटाफट से दूसरे पे पहुंचो, क्यों क्या होगा छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हारे अंदर होंगे ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा। एग्जाम की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बेटा, क्या कहा मैंने, जब भी तुम्हें लगे कि किसी क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला उसको साइड करो तुरंत एकदम, और फिर वो करो जिसपे कम टाइम लगना है, जैसे थ्योरी का क्वेश्चन छोटे छोटे, क्योंकि बेटा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है नंबर अंदर करना है, सबसे पहले तो सेफ्टी होना, फिर रैंक की बात होती है ना, रैंक मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर एफर्ट, क्योंकि जब टाइम बच जाएगा छोटे छोटे क्वेश्चन अटेंड करके तो टाइम कहाँ जाएगा, बैठ के पंखा थोड़ा हिलाएंगे, क्या करेंगे बताओ, हवन करेंगे, हाँ वही क्या करेंगे मतलब बेटा हम, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जहां पर ज्यादा लंबा टाइम लगेगा उस टाइम उस पर लगाएंगे, और पता है फिर बेटे क्या होगा, आपका वो क्वेश्चन आप देखोगे आप सोच रहे थे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो फिर क्योंकि माइंड इतना रिलैक्स होगा वो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, समझे। चलिए जरा आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं भाई, सेबी क्या कहता है, कितना कम से कम मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए, लो भाई बचपन बीत गया जवानी तुम्हारी जाने लग रही है बुढ़ापा आने को है, ये बात पढ़ते पढ़ते 90% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है जी, पढ़िए जरा फटाफट से, द अमाउंट कोल्ड ओवर एंड अबो, अमाउंट कोल्ड ओवर एंड अबो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स कहां पे क्रिएट करते हैं बेटे, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए बेटे क्वेश्चन नंबर 30, प्रोराटा अलॉटमेंट इज डन इन केस ऑफ, बताओ बेटे प्रोराटा कब किया जाता है, जब फुल होता है, जब अंडर होता है, जब शेयर्स को प्रीमियम पे करते हैं, ना जी ना भाई, जब ज्यादा होता है उसको रेशो में कम से कम दिया जाता है ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन जब जब एप्लीकेशन ज्यादा जाती है, सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो जाता है तभी तो हम रेशो की बात करते हैं, शेयर एप्लीकेशन। आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, लो बेटे ये तो वही वाली बात हो गई, बताओ जब तुम बचपन में थे तो कैसे पैरों पे खड़े होते थे, वो वाली बात हो गई यहाँ पर, बताओ जी, अब चलना सिखा रहे हैं देखो तुम्हें एग्जाम में कि बताओ चल के दिखाओ कि तुम लोग कैसे कैसे पैदल चलते थे, बताओ बेटे, सर फिर से वही बात हो गई, क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट, आपको याद है जहां जहां पे आपने रूल लगाया था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो कौन से अकाउंट थे, पर्सनल अकाउंट, और उसके अंदर भी तीन तरह के थे पर्सनल अकाउंट, कौन कौन से बोलो, एक तो नेचुरल पर्सन जो हमारे तुम्हारे तरह के इंसान है, अगर क्वेश्चन में लिखा है राम श्याम सीता गीता, देखिए कभी देखना राम श्याम सीता गीता एक फिल्म का नाम भी है, और अड़ोस पड़ोस के सीता गीता नहीं देखना, इधर देखो राम श्याम सीता गीता, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिसिज वाई मिसिज एक्स, हाँ इन्हें जरूर देखना, तो ये क्या है बेटे, ये है नेचुरल पर्सन, ठीक है, लेकिन यही काम बन जाए अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड है ना, क्या राम श्याम सीता, राम लिमिटेड श्याम लिमिटेड सीता लिमिटेड गीता लिमिटेड, ये सब क्या है बेटे कंपनी, या राम एंड एसोसिएट्स, ये दीज आर व्हाट पार्टनरशिप फर्म, ये सब है आर्टिफिशियल पर्सन, जिनके माता पिता कौन है, लो इंसान नहीं, उनके लिए एक्ट बना है, जिनके लिए एक्ट बना है वो आर्टिफिशियल, लेकिन बेटे एक तीसरा टाइप्स ऑफ पर्सन था, क्या था बोलो, कोई है क्या मतलब सर, तीसरा टाइप का पर्सन, बताओ बेटे भूत देखा है कभी, नहीं, तो भूत के केस में क्या करते हैं हम क्या करते हैं सर, हम लोग जब छोटे बच्चे होते मूवी देखते तो हम क्या कहते, कोई है, कौन है उसका पता है क्या, नहीं पता, जब मिस्टर राम है तो हमें पता है नेचुरल इंसान तो सामने खड़ा है, जब मिस्टर श्याम है तो हमें पता है क्या, वो मिस्टर श्याम है और
श्याम खुद सामने खड़ा है, राम लिमिटेड है तो भाई कंपनी है, रजिस्टर्ड पर्सन खुद उसी का अकाउंट है श्याम लिमिटेड। लेकिन जब राम की कैपिटल, श्याम की कैपिटल, राम का लोन है ना, ऐसी बेटे ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब यही बात यहां पर भी है, आर्टिफिशियल पर्सन। देखो बताने को मैं दो मिनट बोल देता बेटे, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। लेकिन आपकी क्लियरिटी कैसे होगी, है ना, इसलिए मैंने डिस्कस किया बेटे पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इस शेयर एप्लीकेशन के पीछे शेयर होल्डर होता है। और शेयर एप्लीकेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटे, शेयर होल्डर की शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो बेटा ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये है जी हमारा पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन है बी। नेक्स्ट बेटा एक तरीका तो है कि मैं आपको आंसर की दे दूं, आप करो आइस पाइस धप्पा खेलते रहो, इन पिन सेफ्टी पिन खेलो, आंसर है तो ठीक है वरना गेट आउट, है ना। एक दूसरा तरीका कि नहीं बेटे आंसर क्यों है और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे, हम क्लास में वही बात आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटे कि ये आंसर है तो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आप क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे फटाफट से। 32 पढ़िए, ये थोड़ा सा थ्योरी का क्वेश्चन है बेटे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस किस पर्पज के लिए यूज होता है ना, बोनस शेयर के लिए होता है, बिल्कुल होता है। कैपिटल नेचर के लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए होता है, बिल्कुल होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू को राइट ऑफ करने के लिए होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। अब तो खैर नहीं होता डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट पे शेयर इश्यू, लेकिन पुराने जो बैलेंस चला रहे हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए होगा, हाँ जी शुरू से है। गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, डायरेक्टली नहीं होता, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, डायरेक्टली नहीं होता। लेकिन जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, उस चैप्टर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्चुअली क्या बेटे एक चैप्टर आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वहां पर ऐसा होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है ना कैपिटल नेचर का, क्योंकि प्रॉफिट होता है, इसको क्या करते हैं जब बहुत ज्यादा ओवर ड्राफ्टिंग आ जाती है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट जो है कंपनी की सही स्थिति रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है, तो ऐसे केस में कंपनी की बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए एक अभियान चलाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे हमारे घर में अगर जाले लग जाए तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, अगर ज्यादा गंदगी होगी तो क्या करें, हम भी खुद लग जाते हैं, उसको बोलते हैं बेटे बैलेंस शीट को साफ सफाई करना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट करना, जो इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन है उसको ठीक करो कंपनी की बैलेंस शीट को, ताकि वो सही स्थिति बताए। वहां पर बैलेंस शीट में असेट्स में डेबिट, असेट्स के बैलेंस डेबिट होता है ना, बैलेंस शीट में असेट्स में गुडविल डली होती है, और रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता है बेटे। वहां पर हमें कभी कभी वो यूज करना पड़ जाता है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सारे आंसर सही हैं, हम राइट ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं यूज होता है। तो ऐसा ना हो कि मैं आज आपको ये आंसर बताऊं और कल को आप क्वेश्चन मार्क लेके आ जाएं कि सर हम रिकॉर्डिंग में थे, हमारा ये डाउट छूट गया, वो छूटने नहीं दूंगा। आगे के लिए मैं अभी एक्सप्लेन करके रख रहा हूँ, लिख के रख लेना कि ये सारे आंसर वैसे तो सही है, लेकिन एग्जाम में हमें क्योंकि डायरेक्टली यूज के बेस पर ये आंसर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी है कि भाई गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए मना किया है। दरअसल उस सेक्शन में लिखा हुआ नहीं है जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज बताए गए हैं, नहीं मिलेगा आपको वहां पर लिखा हुआ। लेकिन जो एक और चैप्टर है आगे कंपनी का दूसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वहां पर सारे कैपिटल नेचर के, रिवेन्यू नेचर के सब प्रॉफिट को यूज करते हैं बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए, उनका लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, उसमें ही जाकर के यही यूज हो जाता है। खैर तो हमें एग्जाम में क्या आंसर देना है, आपको देना है डायरेक्ट यूज का, जब यहाँ पे डायरेक्ट यूज पूछा है, नहीं जी ऑप्शन नंबर डी के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डायरेक्टली यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पाइए, क्वेश्चन नंबर 33 बेटे पढ़िए जरा। कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियाज एट द रेट ऑफ, लो भाई फिर वही बात आ गई, कंपनी चार्ज करती है इंटरेस्ट मैक्सिमम बेटे, फिर यहाँ पर मैं टेबल लेफ्ट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। कॉल्स इन एरियाज मतलब लेते हुए कम और देते हुए ज्यादा बेटे 10%, ठीक है आंसर क्या आएगा 10%, क्योंकि पहले टेबल ए हुआ करती थी तब ये 5 और 10, 5 और 6% हुआ करते थे, जब टेबल एफ हो गई तो ये 10 और 12 हो गए, ठीक है। तो 10% टेबल एफ का आंसर देना है, बहुत पुराने वाले टेबल ए के आंसर भी क्वेश्चन में एग्जाम में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए बेटे, पहले आप पढ़ेंगे फिर मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 34, ताकि मैं निशान लगा लूं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हैं।
इंतहा हो गई इंतजार की। पढ़ लिए, आइए जी क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहते हैं जी 34? व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर्स इशूड टू पब्लिक मस्ट बी सब्सक्राइब। लो बेटे वही बात आ गई फिर से, भूली बिसरी एक कहानी, फिर आ गई ना क्वेश्चन नंबर 34 की जुबानी। 90% भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना है बेटे? 90%। तो जरा आओ जरा आगे बढ़े। इफ द प्रीमियम ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, अगर बेटे फॉरफिटेड शेयर्स पर पहले से प्रीमियम, अगर प्रीमियम पहले से ही रिसीव हो चुका है, अगर बेटे प्रीमियम पहले से ही रिसीव हो चुका है तो क्या वो कैंसिल होगा? आप बताओ बेटे, मतलब ही नहीं बैठता। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो आंसर है पॉइंट नंबर सी। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 36, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स, करो जी करो पहले आप लोग करो चलो, है ना। पढ़ लिया, वॉलंटरी रिटर्न मतलब वापसी, रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय शेयर होल्डर। बेटे शेयर होल्डर ने क्या किया, अपनी मर्जी से ना वापस कर दिया कि भैया ये जो है हम लोग जो है आपको वापस कर रहे हैं कंपनी को शेयर्स। क्या ये फोरफीचर कहलाता है? नहीं, फोरफीचर तो बेटे छीनना होता है, जब्त करना होता है। यहां पर तो अपनी मर्जी से क्या हो रहा है बेटा, सरेंडर कर रहे हैं शेयर होल्डर, तो ये सरेंडर ऑफ शेयर्स कहलाएगा। बच्चों के माइंड में ये भी हो सकता है कि सर ये कैंसिलेशन क्यों नहीं कराएगा? बेटे कंपनी जब भी करेगी तो या तो एप्लीकेशन को कैंसिल करेगी मतलब रिजेक्ट करेगी, लेकिन शेयर्स कभी कैंसिल नहीं होते, ठीक है। शेयर्स या तो दिए जाते हैं या वापस लिए जाते हैं, देना मतलब इशू और वापस लेना मतलब फॉरफीचर। आइए तो क्वेश्चन नंबर 37 में आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, द स्टेटमेंट इशूड टू पब्लिक फॉर इशू ऑफ शेयर्स। बेटे जो स्टेटमेंट है हमारा कौन सा, जो पब्लिक को इशू किया जाता है कि भाई आओ भाई हमारे शेयर्स खरीदो, आओ भाई हमारे शेयर्स खरीदो, उसको हम क्या बोलते हैं बोलो? प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, राइट शेयर्स, किसको? राइट शेयर्स। अब मैं यहीं से एक छोटी सी बात बोलता हूँ बेटे, वैसे अभी हमने राइट शेयर्स किए नहीं है, पर एक छोटी सी बात है जो आपको बहुत ज्यादा उसमें ये नहीं है कि भाई अलग से एकदम पढ़ने वाली बात है। हाँ अकाउंटिंग हम लोग करेंगे इसकी, डोंट वरी बेटा। एक है यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो जिन्होंने शुरुआत की थी कंपनी के साथ में, प्रोमोटर्स ने कहा था कि भाई मैं काम करने जा रहा हूँ, एक कंपनी बना रहा हूँ, आप लोग आना चाहते हैं तो आइए, जो फर्स्ट टाइम पर आए थे, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो फर्स्ट टाइम पे आए थे बेटे, वो क्या है आईपीओ में जो बने थे शेयर होल्डर। अब वो शेयर हो सकता है उनको मन कर रहा है किसी और को देकर चले गए, तो कंपनी के मालिक फिर कोई और बन गए। तो मतलब क्या है कि कंपनी ने कोई नए शेयर नहीं निकाले होते, तो उस टाइम पर पुराने शेयर ही कभी कोई ले रहा है, कभी कोई खरीद रहा है, कोई कभी कोई खरीद रहा है। हो सकता है वो शेयर मेरे पास हो तो मैं कंपनी का मालिक, हो सकता है वो शेयर्स मैंने आपको दे दे तो आप कंपनी के मालिक, लेकिन वो कंपनी की तरफ से पहले से चले आ रहे शेयर्स। हाँ ट्रांसफर होते रहते हैं बात अलग है, लेकिन अगर मान लें कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट हुई और नए पैसों की, क्योंकि कंपनी और बड़ा काम करना चाहती है, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती है, तो उसके लिए क्या करेगी कंपनी? फिर से शेयर्स निकालेगी। तो जो नए शेयर्स निकालेगी उसके लिए पहले हमेशा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूछा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ शेयर्स का, मतलब जब तक प्रेफरेंस ना बोले हमेशा इक्विटी की बात होगी। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पहले पूछा जाता है कि भाई आपका राइट है, पहले आप ये शेयर्स बताओ, ये वाले शेयर्स भी आप ही खरीदना चाहते हैं, ठीक है? अगर ऐसा है तो आप ले लीजिए, बाकी लोगों की अपेक्षा आपको सस्ते में मिलेंगे। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये राइट होता है कि वो थोड़ा सा सस्ते में उसको शेयर्स को ले सकता है, कंपनी उनको ऐसा ही ऑफर देती है। उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, किस प्राइस पर आप एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज का मतलब होता है जिम बनाना, सुबह जॉगिंग करना, एक होता है ऑप्शन को यूज करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सरसाइज, ठीक है? एक्स
अब इसमें क्या हो बेटे, जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो तभी तो वो राइट शेयर्स खरीदेंगे। तो कहने का मतलब है बेटे, राइट शेयर्स किसको कहते हैं कि नए वाले शेयर्स को पहले वाले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया जाता है कि आप चाहो तो पहले इन्हें आप खरीदो। ऐसे शेयर्स जो आईपीओ के बाद में जितने भी शेयर्स आते हैं इक्विटी वाले, वो कहलाते हैं राइट शेयर्स। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट शेयर्स किसको, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है राइट शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं भाई, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 40 पहले आप पढ़ो, हालांकि आपका पढ़ा पढ़ाया है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। आप सबको पता है थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था ऐसी बात को, तो जल्दी से बताइए बेटे। हो गया बेटा, क्या है ये आपको बताओ। क्वेश्चन नंबर 40, इफ द शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम, इफ द शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम। हाँ जी, एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन रिसीव, देन व्हाट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम अमाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो भाई अगर मान लिया कोई शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ था और प्रीमियम रिसीव हो चुका है, तो भाई फॉरफीचर के टाइम पर प्रीमियम वाली अमाउंट के साथ में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, मतलब उसे कैंसिल किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में या नहीं। आपको याद है ब्लैक मनी वाला? भूल जाएंगे तो बेटे, भूल जाएंगे। देखिए यहाँ पर नो ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला पॉइंट बेटे, क्वेश्चन नंबर 41, इफ द शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स, अगर भाई शेयर्स प्रमोटर्स को इशू किए जा रहे हैं तो कहां पर डेबिट होंगे? बोलो बेटे, प्रमोटर अकाउंट में कि गुडविल अकाउंट में? बेटा गुडविल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि बेटे प्रमोटर्स को जो पेमेंट दिया जा रहा है वो उस टाइम का दिया जा रहा है, उस टाइम पर कंपनी थी नहीं बेटा, वो गुडविल के नाम का दिया जा रहा होगा। आइए जी नेक्स्ट पढ़ो बेटे, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ए वेंडर हैज बीन अलॉटेड 5,50,000 शेयर्स, मतलब 5,50,000 रुपीज के शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ नेट असेट्स, जो परचेज की थी किस पर बेटे, जो असेट जिसकी वर्थ थी बेटे 5,00,000, सिर्फ 5,00,000 रुपए की असेट्स, और हमने बेटे 5,50,000 रुपए देकर के ली, 5,00,000 रुपए की असेट्स को हमने 5,50,000 रुपए देकर के क्यों खरीदा होगा बताओ? कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा बात रही होगी बेटे, वो कहाँ ट्रांसफर होगा? गुडविल में। ठीक है, आप ध्यान रखना बेटे, डिस्काउंट पे तो इश्यू ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए, क्वेश्चन 42 का ऑप्शन है ए। क्वेश्चन 43 पे आइए, अब 43, 44, 45 आप तीनों पढ़िए और फिर मैं कराऊंगा, मैं भी जरा पढ़ लेता हूँ साथ साथ में। तो मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तीनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे और हम लोग तीनों एक साथ करेंगे। तब तक जरा मैं भी देखूं, मेरे उसमें ही आगे पीछे कहीं है, हार्ड कॉपी होना तो थोड़ा आसानी रहती है। इंतजार की अच्छा नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आपने को क्या, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। बेटा 43, 44, 45 ठीक है जी, करें, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में तो करना तो एक अलग चीज है, लेकिन पढ़ने के बाद में एक कमांड होना कि हाँ सर हम ये तो हो सकता है सर, फटाफट एक दो मिनट में हो सकता है,
ठीक है, आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब बेटा यहीं से हमें एक अप्रोच पकड़नी है क्या। अब जैसे तीनों क्वेश्चन है 43, 44, 45, तीनों, बताओ इसमें से सबसे ज्यादा टाइम किस पे लग रहा है आपके हिसाब से, सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगेगा वो मत करना, समझे, वो मत करना, पहले पहले वो करना जिसपे सबसे कम टाइम लगेगा। जैसे क्वेश्चन है 45, ये अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में करनी, जिस क्वेश्चन पे जरा सा ज्यादा टाइम लग रहा है तुरंत बेटे उसको रोक लो, काम उस पे करो जो सबसे कम। अरे यार एक नंबर का ये मिलेगा, एक नंबर का वो मिलेगा, तुम उस पे लगाओ ना फटाफट से। अगर एक बच्चा एक एक नंबर के क्वेश्चन को फटाफट अंदर किए जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो कहां जाएगा और कितना उसको एक सेफ्टी आती जाएगी फटाफट से। और एक होगा नालायक, नहीं मैं तो कंपनी सेक्रेटरी तभी बनूंगा जब सबसे पहले पंगे वाला क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो आप बताओ बेटे जीतेगा कौन, है ना। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ बेटे, जब ऐसे क्वेश्चन हो जैसे ये सामने है, है ना, अब मुझे इन तीनों में से सिलेक्शन करना है, यही सिलेक्शन आपको बाकी के उसमें करना है। तो पूरे चैप्टर में जब भी आप प्रैक्टिस करें तो ऐसे ही करें, एग्जाम में पेपर उठाएंगे तो ऐसे उठाएंगे। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अंदर करेंगे, छोटे वाला, वो कहते हैं ना छोटा छोटा, स्मॉल स्मॉल मिलाते रहो, लार्ज बनाते रहो। और वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये कहावत है बड़े ही फेमस बिजनेसमैन की, हाँ कभी तुम कुछ और मिलाने लगो। चलो सर चेयर्स, आओ क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये छोटा सा क्वेश्चन है बेटे, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सत्य है आप बताओ, कौन सा सही है भाई। ऑथराइज कैपिटल के बराबर होती है इश्यूड कैपिटल, हो भी सकती है, हो भी सकती है क्या, बिल्कुल हो भी सकती है। लेकिन ऑथराइज कैपिटल, सोचो जरा, ऑथराइज कैपिटल ज्यादा है इश्यूड कैपिटल से हमेशा होती है, यस बिल्कुल। पेड अप कैपिटल इश्यूड कैपिटल से ज्यादा होती है, कभी नहीं कभी नहीं। इनमें से कोई भी बात सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है जी। तो यानी कि पॉइंट नंबर ए, ऑप्शन नंबर 45 में, सॉरी पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी। देखो मेरे हिसाब से तो ए भी एक आंसर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ट्रूथ है फिर हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऐसा भी हो जाता है। आइए बेटे चलते हैं आगे। अब 43, 44 में से हमें पता है कि भाई 44 में ना कैलकुलेशन ज्यादा है ना, मिस्टर राम की कैलकुलेशन, उन्होंने अप्लाई किया, अलोटेड किया, प्रोराटा आ गया ना, तो थोड़ा सा रुक जाओ, प्रोराटा मारेगा चाटा वरना, तो प्रोराटा को दो मिनट के लिए साइड करके बाकी पे उठा लो। जरा पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ो। एबीसी लिमिटेड ने एक्वायर की असेट्स 10 लाख रुपए की एक्स वाई जेड लिमिटेड से, और इशू कर रहे हैं शेयर्स कितने पे बेटे, कितने वाले, 10-10 वाले, कितने पर कर रहे हैं बताओ, प्रीमियम भी 10 रुपए, कमाल की बात, देखो 10 रुपए का शेयर 20 रुपए में दे रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं बताओ भाई 10 लाख रुपए देने हैं ना हमें, लायबिलिटी है ना हमारे सिर पे क्योंकि हमने एसेट्स खरीदी एक्स वाई जेड लिमिटेड से, हाँ जी, तो हम वो 10 वाले शेयर अगर 20 का लगाए तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। लो बेटे देखो कितना आसान सा काम है, छोटा सा काम है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, फटाफट से लिखो क्वेश्चन नंबर 43। बेटा सेल्स कंसीडरेशन तो ज्यादा फॉर्मूला ना लिखा करके सीधा सीधा काम की बात कराता हूँ। सॉरी भाई 10 लाख रुपए देने हैं, इसको डिवाइड करेंगे इश्यू प्राइस कितने का, 10 का, बांटो जी बांटो, जल्दी जल्दी डिवाइड करो। 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स। बेटे ऑप्शन में देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ए। अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 44 पे। पढ़िए जरा, एबीसी लिमिटेड ने अलॉट किए कितने 20,000 शेयर्स, किसको दिए, 28,000 एप्लीकेंट को। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी जो क्वेश्चन किया था वही आ गया, याद है सबसे पहला क्वेश्चन, 35,000, 7,000 को भगा दिया, 28,000 का अलॉट किया, कितने शेयर्स थे वहां पे, तो 20,000 ही थे, भूल तो नहीं गए, रुको मुझे लग रहा तुम भूल गए, ये इससे पिछला क्वेश्चन अभी तो किया था आज ही क्लास में। अच्छा वो सबसे पहला क्वेश्चन था जी हमने ना, वो उसमें क्वेश्चन पे ही ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ उड़ गया हो। चलिए तो 28,000 वालों को 20,000 दिए, अगर एप्लीकेशन मनी 5 रुपए है, कैलकुलेट करो जो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए मिस्टर राम को, और आल्सो साथ में ये भी बताओ कि कितनी अमाउंट है उनकी जो एडजस्ट कर दी गई, अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन फर्दर कॉल। अगर इन्होंने अप्लाई किया था 840 शेयर्स के लिए, बेटा कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एज कंपेयर टू 43 और 45 इसमें बेटे क्या लगना था, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगना था,
एज कंपेयर टू दोस। आइए जी, तो प्रोराटा का रेशो क्या है भाई, 28,000 अगर अप्लाइड है तो बेटे अलोटेड कितने, 20,000। और जो ये है कौन है भाई, ये नाम क्या है, अच्छा मिस्टर राम, मिस्टर राम की अगर बात करें उनके बारे में बता रखा है कि उनको अलोटेड जो है वो कितने शेयर है बेटे, अलोटेड नहीं अप्लाइड बता रखा है, 840 इनके अप्लाइड बता रखे हैं, इन्होंने अप्लाई किया था 840 शेयर्स के लिए। तो बताओ बेटे इनको अलॉटमेंट कितने शेयर्स का हुआ होगा, बहुत सिंपल है जी, 840 में मल्टीप्लाई कर दो जी, 20,000 अलॉटमेंट हुआ है तब जब अप्लाई हुआ है 28,000, तो भाई इनको कितना मिला होगा, 840 इंटू 20 बटे 28 बेटे, यानी कि 600 शेयर्स। सबसे पहले तो 600 शेयर्स। अब एग्जाम में मैं बैठा हूं और मेरे सामने चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन में मिल जाए जरा 600 शेयर्स, तो मैं फालतू की कैलकुलेशन और ज्यादा कैलकुलेशन करूंगा, देखना जरा दिमाग लगाओ, अगर इन चारों ऑप्शन में से एक क्वेश्चन में लिखा होता बस 600 शेयर्स तो मैं वही सेलेक्ट कर लेता, फिर मैं अमाउंट की कैलकुलेशन नहीं करता, लेकिन एग्जामिनर गेम खेल गया, कह रहा 600 शेयर्स की ये चालाकी हो सकता है बच्चा दिखाए, समझ रहे हो मेरी बात, स्मार्ट ट्रिक सिखा रहा हूं आपको एग्जाम में कैसे नंबर अंदर कर रहे हैं। अगर यहाँ चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन में 600 होता तो मैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर देता, आगे में दिमाग नहीं लगाता। साम दाम दंड भेद, क्लास में नंबर आने चाहिए बस अपने बच्चे के, यही पर्पज होता है क्लासेस का, तो वही मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, अगर एग्जाम में किसी एक ऑप्शन में 600 शेयर देखने को मुझे मिल जाएंगे तो मैं वही ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला था, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने गेम खेला और उसने कहा भाई 600 से आगे की कहानी बताओ, तो इसलिए उसने तीन ऑप्शन में 600 डाल दिए, तो यानी ये तो मेरे को कंफर्म हो गया ऑप्शन ए तो है नहीं, अब बी सी डी में से कोई एक है। चलिए, तो उसने पूछा ये क्या कि आगे फर्दर कोर्स पर कितनी अमाउंट है जो एडजस्ट करेंगे मिस्टर राम के नाम के, कितने एडवांस है, तो बेटे आप देखो जरा ध्यान से, ऑन एप्लीकेशन पे बेटे अमाउंट जो यहाँ पर रिसीव हुई होगी, रिसीव्ड अमाउंट कितने रुपए की रिसीव हुई होगी और कितने रुपए की ड्यू होगी, तो जो एक्स्ट्रा है जिसको फर्दर कॉल पे एडजस्ट किया जाएगा, कॉल का मतलब ये मत सोचना सिर्फ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ऐसी कोई डिटेल यहाँ पे दे भी नहीं रखी क्वेश्चन में। आइए जरा, तो बेटा देखो जरा फटाफट से बताओ भाई, एप्लीकेशन आई थी 840 शेयर्स की, तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांग रहे थे, 5-5 रुपए, लेकिन ड्यू कितने होंगे भाई, जब 600 शेयर दोगे तो ड्यू भी तो 600 का होगा, करना जरा, ये तो है बेटे 3,000 और ये है 840 इंटू 5 कितना है बेटा 4,200, तो मैं कह सकता हूँ बेटे 1,200 रुपए है एडवांस, तो 1,200 रुपए को एडजस्ट किया जाएगा, तो हमारे आंसर में जहां पर 600 शेयर है और 1200 की अमाउंट है वही हमारा सही आंसर है। बेटा देखना जरा बाबू, 600 शेयर्स प्लस 1200 की अमाउंट है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं बेटे, बिना टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं, बहुत दूरी है 200 क्वेश्चन करने, क्लास के अंदर ही ऐसे नहीं बात बनेगी। हाँ जहां लगेगा वहां एक्सप्लेन भी करूंगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन when appropriation of certain number of shares is made to an applicant in response to his application, बेटे ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी बात ऐसी है, क्वेश्चन नंबर 46 में इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो ये बता रही है कि नंबर ऑफ shares जो application के response में है, है ना, नंबर ऑफ शेयर्स एप्रोप्रिएट किए गए हैं, दिए गए हैं, ऐसी बात कौन से लाइन में कवर है ए बी सी डी में से, बेटे ऑफ कोर्स ए में, क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन के रिस्पांस में जो शेयर दिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर भी बी और सी को डिस्कस और डी को डिस्कस करते हैं। बी में क्या है, शेयर फॉरफिट करना, वहां शेयर देने की बात ही नहीं है। सी में क्या है बेटा, शेयर्स की ट्रेडिंग करना, खरीदना बेचना, वहां भी
ऐसा नहीं है, वहां तो खरीद के बेचने वाली है, वो तो शेयर मार्केट की बात है, शेयर परचेज उसका एक पार्ट खरीदा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 47, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 47, पता नहीं बेटे कितनी बार आपसे पूछ लिया, बताओ। द मिनिमम एप्लीकेशन पता नहीं कितनी बार आपसे पूछ लिया बेटे, 5% होगी, बिल्कुल होगी जी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या है, बी, मिनिमम एप्लीकेशन कितनी बेटे, एक्ट के अकॉर्डिंग 5% है।